कश्मीर में भी गले की फांसी, और वो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 35A, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही अलगाववादियों ने इस सुनवाई के विरोध में 2 दिनों के कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया। आज जम्मू कश्मीर में कई प्रदर्शन भी हुए, कुछ 35A से छेड़छाड़ के विरोध में तो कुछ 35A के विरोध में किए गए। ये आवाज है कश्मीर के उस हिस्से की, जहां के लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं कश्मीरियों को विशेष अधिकार देने वाला अनुच्छेद 35A खत्म ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ऐसी तमाम याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है जिसमें अनुच्छेद 35A को खत्म करने की मांग की गई है, और इसीलिए श्रीनगर समेत कश्मीर के तमाम हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि 35A के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं कि इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, ये हमारा मुस्तकबिल इसके लिए है, हमारी नौकरियां खतरे में पड़ेगी, हमारा जमीन खतरे में, इसे विरानी मुल्कों से यहाँ पे जमीन खरीदा जाएगा, हमारी इंडस्ट्रीज खतरे में, हम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से ही हैं क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इसी पे डिपेंडेंट है। हमने पढ़ाई छोड़ के इंडस्ट्रीज में ज्वाइन किया ताकि हम अपना कारोबार करें और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दें। हमसे डिसमिस करना चाहिए, इसमें किसी का भी हक नहीं है बोलने का। हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और हम रहेंगे, हम थे और हम रहेंगे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। दरअसल अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। इसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। 35A के तहत राज्य की विधानसभा को ये अधिकार है कि वो स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय कर सके, और इसी अनुच्छेद से मिले अधिकारों के कारण कोई बाहरी यानी दूसरे राज्य का व्यक्ति कश्मीर में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। बाहर से आने वालों को कश्मीर में सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाओं का भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि अगर कश्मीर की कोई लड़की राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी करती है तो परिवार की संपत्ति में उसका हक खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा तबका इस अनुच्छेद के खिलाफ है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां डोगरा फ्रंट अनुच्छेद 35A के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। इन लोगों का कहना है कि 35A महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, इसीलिए इसे रद्द होना चाहिए। मैं कहता हूं जी, कश्मीर के अंदर भी माता बहनें जो बाहर शादी हुई है उनके परिवार इसको वापस करने की बातें करना चाहते हैं, ये गलत है। सिर्फ 20 लोग अलगवादी 20 नेता जिन्होंने सारे के सारे कश्मीर को जकड़ करके रख दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 35A ने पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल गर्मा दिया है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक इसके समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, और अलगाववादी ताकतें ऐसे माहौल का फायदा उठाने की फिराक में हैं। इसीलिए अलगाववादी संगठनों ने 30-31 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर और व्यापारी संगठन भी इस बंद के समर्थन में हैं। इसी का असर है कि श्रीनगर के लाल चौक में आज सभी दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर थी। डोडा, बनिहाल, किश्तवाड़, रजौरी और पुंछ में भी बंद का असर देखा गया। ऐसे में सुरक्षा बलों ने भी घेराबंदी कड़ी कर दी है। श्रीनगर के 9 पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत है नहीं। हालात ये है कि घाटी में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोगों को आशंका है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 35A पर सुनवाई के दौरान यहां का माहौल खराब हो सकता है, और इसी का नतीजा है कि 30 और 31 तारीख को यहां होने वाली तमाम शादियों की दावतें रद्द कर दी गई हैं। अखबार ऐसे इश्तिहारों से भरे पड़े हैं। हैदरपुरा के शाह परिवार ने 1 साल पहले अपने बेटे की शादी के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अब सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हुए सादगी से निकाह करने को मजबूर हैं। अखबार में काफी सारे लोगों ने दावतें कैंसिल की, थोड़ी बहुत मायूसी हो रही है, लेकिन क्या करें, जब
मासेस इन्वॉल्व हो किसी भी चीज़ में तो उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते, हमने इसीलिए कैंसिल कर दी दावत। शादी तो स्टैंड है लेकिन दावत कैंसिल कर दी। पर सवाल ये है कि कश्मीर में ऐसा माहौल कौन पैदा कर रहा है, आखिर क्यों 35 ए के मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जा रही है, और जब मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर राजनीति क्यों की जा रही है। जम्मू से अजय बाजुलू के साथ, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सरकार और शासन के लिए गले की फांस बना हुआ है ये मामला। तो सवाल यही है कि क्या 35 ए वाकई कश्मीर को जोड़ने का काम कर रहा है या तोड़ने का, क्योंकि अगर एक तबका 35 ए का समर्थन कर रहा है तो दूसरा विरोध, और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर ही कोई फैसला सुनाएगा। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं आखिर 35 ए का विरोध करने वालों का क्या है तर्क। यह है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के पूर्व स्पीकर और डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का परिवार। कविंद्र गुप्ता की 3 बेटियां हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी शिमला में की, और इसके साथ ही उनकी बेटी ने वैसे तमाम हक खो दिए जो दूसरे राज्यों की लड़कियों को मिलते हैं। इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35 ए। कविंद्र गुप्ता और उनके परिवार का कहना है कि आखिर ऐसा कानून किस काम का जो बेटियों से उनका हक ही छीन ले। आजकल जम्मू पंजाब हरियाणा दिल्ली इस प्रकार के रिश्ते तो रूटीन मैटर है, तो उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ वो चीज़ें जो भारत में तो पूरी जगह अधिकार है लेकिन अपनी स्टेट से कट जाना ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। कविंद्र गुप्ता की बहन निर्मल गुप्ता की शादी भी राज्य से बाहर हुई। उन्हें ये मलाल है कि शादी के बाद से अपने ही राज्य में वो बाहरी हो गई हैं। उनके बच्चे जम्मू कश्मीर में आकर बसना चाहते हैं लेकिन अनुच्छेद 35 ए की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे का दिल तो करता है कि वो इधर रहे जम्मू में, लेकिन जब फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो उसका क्या फायदा, इधर कुछ आगे कर नहीं सकते, फिर बच्चों के बारे में सोचना पड़ता ना, तो फिर इसलिए 35 ए का तो नुकसान ही है। यानी जो कानून कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देता है वही कानून निर्मल गुप्ता और उनके जैसे कश्मीर की तमाम महिलाओं के अधिकार छीन लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कविंद्र गुप्ता का ये भी मानना है कि 35 ए के कारण बाहरी लोगों पर जो प्रतिबंध है वो कश्मीर के विकास पर भी असर डालता है। देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, तो यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जिसका सहारा लेकर के आज उग्रवाद की बात की जाती है लेकिन ऐसा है नहीं है। लेकिन कहते हैं जी अगर बेरोजगारी तो बाकी स्टेटों में भी है लेकिन आज भी उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट की कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। 35 ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तमाम याचिकाओं में से 2 में राज्य में बाहर से आकर बसे लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है। 2 में कश्मीरी महिलाओं के गैर कश्मीरी से शादी करने पर भेदभाव की बात कहते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का हनन बताया है, क्योंकि 35 ए कश्मीरी पुरुषों के गैर कश्मीरी से शादी करने के बाद भी उन्हें स्थायी नागरिक मानता है और उनके सारे अधिकार बने रहते हैं। लेकिन 35 ए के समर्थक इन तर्कों को नहीं मानते। जहां इस मुद्दे पर राज्य के लोगों की राय बटी हुई है वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपनी सियासी नफे नुकसान को तोलते हुए पक्ष और विपक्ष में खड़ी हैं। बीजेपी की राय है कि 35 ए पर बहस होनी चाहिए तो कांग्रेस समेत राज्य के तमाम राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं और 35 ए के विरोध को बीजेपी की चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। फिलहाल इसमें से जो राजनीतिक फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक पकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी और वो सिर्फ 2019 के चुनाव के लिए कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे नेशनल लेवल पर खड़ा कर रहे हैं वो, बट उसके डिफेंस के लिए ऑलमोस्ट पूरा स्टेट यूनाइटेड है। तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो गए हैं इसलिए कि 35 को बरकरार रखा जाए। अब हम 31 का इंतजार करेंगे और उम्मीद है कि फैसला ठीक ही होगा। लोगों का इश्यू है तीनों खुतों का, वहाँ अगर नेशनल लेवल की भी पार्टी इसमें शामिल होती है और उनका सपोर्ट मिलता है ये हम खैर मकदम करते हो, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। मेरी ये गुजारिश होगी उमर अब्दुल्ला साहब से और महापौर मुफ्ती से कि वो एक डेलीगेशन को हेड करें
जब तक आप 35 को कोर्ट में ड्रैग करना छोड़ देंगे तब तक सारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ बेसबा जो रीजनल पार्टीज हैं दिल्ली से ये कह दें कि हम पंचायत पोल और म्यूनसिपल पोल में शिरकत नहीं करेंगे। आई थिंक इट विल बी ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर साइड। और मुझे पूरा यकीन है अभी उन्होंने मुँह से निकाला भी नहीं होगा 35A का सारा मामला ठप हो जाएगा। तो 35A को लेकर हो रही इस राजनीति के बीच ही जम्मू कश्मीर में पंचायत और निकाय चुनाव भी होने हैं और इन्हीं चुनावों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई टालने का आग्रह भी किया है। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी के साथ जम्मू से अजय पाचरू की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।